Mohini, you have to tell them what to do after CS foundation exams. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टूडेंट वी कुड फाइंड आउट वॉज मोहिनी अग्रवाल. She is All India Rank 20 from CS Foundations June 2019 exams. Mohini, देखो CS Foundation के exams जो हैं वो बहुत ही easy होते हैं, वो हो जाता है. लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा boss होता है, जो हमारा challenge होता है, वो होता है CS Executive के exams हमारे. तो उसके लिए हमें आज ही से सोचना पड़ेगा. अगर हम सोचेंगे कि चलो ठीक है एग्ज़ाम दे दिया है, अभी रिजल्ट निकलने का वेट करो, फिर कोचिंग ढूंढेंगे, फिर आराम से करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा. क्योंकि अगर आपका जो आपको अगर टफनेस के लेवल पे देखा जाएगा, तो अगर आपको CS फाउंडेशन का एग्ज़ाम अगर 10% पे लगता है, तो CS एग्जीक्यूटिव का जो है वो 110% पे है. तो इतना मतलब कि मेजर गैप होता है इन दोनों के बीच में. तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी. आपने जैसे कि अपनी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया, आप 2-3 दिन आराम से मस्ती कर लो, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, आप वो चीज़ें कर लो जो कि आप बहुत दिन से प्लान करके रखे थे, आप अपने आप को चिल कर लो एकदम, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही टाइम उसमें आप एकदम मस्ती करने में ही लगा दिए. आपको तुरंत कोचिंग ढूंढनी चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. क्योंकि हमारे 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव में, तो हमें उसके लिए सारे सब्जेक्ट्स की पहले एक नॉलेज ले लो कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट हैं. इतना तुम लोग जान लो ये तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5 to 6 days के बीच में. और फिर उसके बाद आप 10 days के बीच में आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग्स के ट्रायल्स ले लो. या अगर आप अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड हो, तो आप अगर आप उसी में रहना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली आपको तो फिर टेंशन लेनी ही नहीं है. आप लोग के लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है. और भी जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब वालों के लिए, हमारे यूट्यूब वालों के लिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको कहीं और ट्रायल लेना है, तो फिर आप वहाँ ट्रायल ले लो. लेकिन आप कोशिश करो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 दिन के बीच के में ही आप ये सब काम कर लो, और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो. क्योंकि अगर आप अभी जल्दी नहीं ज्वाइन करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो कोर्स है वो बहुत लेट में कम्प्लीट होगा. तो फिर आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा. और हमारे जो पेपर होते हैं वो बहुत सारे हमारे लॉ के पेपर, हमारे 5 टोटल लॉ के पेपर होंगे. फाउंडेशन में आप लोगों से एक हैंडल नहीं होता है, और फिर 6-5 हमारा जो एग्जीक्यूटिव में लॉ का पेपर हो जाता है, वो तो बहुत ही मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो अपना रिजल्ट के पहले का जो टाइम वेस्ट कर देते हो, आप उसको यूटिलाइज़ करो. आप उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट आप ख़त्म कर लो अपनी कोचिंग में. फिर उसके बाद आप क्या करो कि आपके पास लास्ट में ऐसे अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास लास्ट में टाइम बचा रह जाएगा, तो आप उसमें सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप टेस्ट पेपर्स अपीयर कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम. क्योंकि वो टाइम आपके शुरू के टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमको उसको एकदम सेव करके रखना है अच्छी तरीके से. तो उसके लिए आपको अर्ली स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा. अगर देखो जैसे कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो हमने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था. हमारा आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और आफ्टर 10 डेज़ मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी. तो उस तरीके से मेरा पहले एक एक करके, दो दो करके धीरे धीरे क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही थी. सारा मेरे ऊपर बर्डन एक साथ नहीं आया था. तो इससे क्या हुआ था कि जो मेरा एग्ज़ाम के पहले जो पढ़ने का फ्लो था, जो एक पैटर्न था, उससे हमें थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक भी मिल गया था. लेकिन मेरा फ्लो टूटा नहीं था. जो वो पढ़ने का जज्बा अंदर रहता है एग्ज़ाम टाइम पे, वो मेरा मेंटेन था, और वो कंटिन्यूसली वैसे चल रहा था. लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मेरे पर बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि उसमें मेरी एक क्लास चल रही थी. आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ क्लास, मतलब 10-15 दिन के बाद, अंकित सर की भी FM की क्लास स्टार्ट हुई. सबसे पहली क्लास जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो GST की थी. अजय सर ने वो स्टार्ट किया था, और वो जब 10-15 दिन हो गया, उसके बाद FM की जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई, तो इससे क्या होता था कि हम घर जाते थे, अच्छे से हम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ पाते थे. क्योंकि हमने आज खाली सिर्फ दिन भर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया, तो हम घर आके उसका अच्छे से रिविजन करते थे, सेल्फ नोट्स बनाते थे, स्टिकी नोट्स लगा के हर चीज़ की समरी प्रिपेयर करते थे, वो सब काम हम आराम से करते थे. और यही होता है, अगर आप लेट में ज्वाइन करते हो, तो फिर आपके ऊपर क्या होता है कि आप एक दिन में मल्टीपल क्लासेस कर रहे हो, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने, आप घर आके उसका रिवीजन ही नहीं कर पाते ठीक से. और रिवीजन करना एग्जीक्यूटिव लेवल पे एकदम मस्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉ का पेपर होता है, इतनी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं. फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं है. अगर आप फाउंडेशन को, लॉ को हार्ड मानते हो, तो वो कुछ भी नहीं है. क्योंकि आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा है, वो तो हमारे 1-2 चैप्टर में भी कवर नहीं होता. मतलब कि हमारे 1-2 चैप्टर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव के, कितने ह्यूमंगस होते हैं आप सोच सकते हो. आपकी पूरी मॉड्यूल कवर हो जाए उसमें, वो इतने ज़्यादा ह्यूमंगस है हमारे चैप्टर्स. तो आप लोग घबराइए, मतलब कर लेंगे आप लोग, लेकिन उसके लिए एक अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा. इसीलिए हमने अर्ली स्टार्ट किया था. देखो
आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं है, वो उसी लेवल से हम भी आए तो बेइज्जती फिर क्या, उसी लेवल से तो हम भी आए ना, ठीक है। तो और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, जैसे कि मैंने दिया, मैं अंकित सर ने एफएम का टेस्ट लिया था, उसमें मेरा ही हाईएस्ट मार्क्स था, और दिसंबर, इनफैक्ट जो दिसंबर वाले बच्चे थे जिनका कि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, उनका भी उतना अच्छा नहीं आ पाया था। मुझे सबसे बड़ा इसका एक रीज़न लगता है क्योंकि उन सभी बच्चों ने लेट में स्टार्ट किया था, उनको एक एक दिन में मल्टीपल क्लासेस करनी होती थी, जब मेरी सिर्फ टैक्स की क्लास और अंकित सर की एफएम की क्लास चलती थी तो हम घर जाके उसको प्रिपेयर करते थे, अच्छे से हम उसके नोट्स बनाते थे, हम उसी को पढ़ते थे, तो मेरे दिमाग में एफएम का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन जब वो बच्चे मल्टीपल क्लासेस कर रहे थे, उनको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, उनको प्रिपेयर करने का, उनको कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं मिला, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो उसको अच्छे से नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मेरिट है उस चीज़ का जल्दी जल्दी स्टार्ट करने का। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम डेढ़ से दो महीने बाद स्टार्ट करेंगे तब तो बहुत ही लेट हो चुकी होगी, आप अपना शायद ही आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर पाएँ एक बार ही, अपने से रिवीजन आप उसका कर पाएँ। और अगर आप इतना जल्दी स्टार्ट करते हो तो हमें लगता है कि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम लास्ट में बचा होगा कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, क्योंकि सिर्फ अगर जो आपके टीचर ने पढ़ा दिया वो उन्होंने तो पढ़ा दिया, लेकिन आपने क्या उसको अपने दिमाग में रिटेन करके रखा है इसको चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हाँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। हमारे तीन सब्जेक्ट जो होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे और बाकी तो सारे सब्जेक्टिव होंगे, तो उसमें तो आप जो लिखोगे उसके लिए आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन जो आपका एमसीक्यू पार्ट है उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए आपका, आप ऐसा नहीं कि आप जय माता दी करके आप कुछ भी लगा दिए फाउंडेशन की तरह, तो आपको उसके लिए बहुत आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब आपने अपने लैंग्वेज में नोट्स को बना के रखा होगा, और नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम आपको तभी मिलेगा जब आप अर्ली स्टार्ट करोगे। Was it clear, students? Yes, sir. So, students, okay. Students, this was Mohini Agarwal for you, guiding you on what to do after CS Foundation exams. Thank you very much, Mohini. Chaliye, thank you all of you.